यार ये बहुत प्लस वन हो रहा था तेरे से भाई। ऑफ कोर्स होगा ना यार, अगर कोई बोलेगा कि कास्टर्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए और कास्टर्स के लिए कोई हित में बोलेगा तो मैं भी प्लस वन करूंगा ना, क्या गलती है इसमें। बहुत कम लोग होते हैं जो कास्टर्स के लिए बोलते हैं भाई कि कास्टर्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, कास्टर्स को ये नहीं करना चाहिए। कास्टर्स ना कोई एजेंडा लेके नहीं बात करते, जो अच्छा खेलता है उसकी अच्छा बात करते हैं, जो खराब खेलता है उसको खराब बात करते हैं, वो भी खराब इतना नेगेटिव नहीं बात करते, क्रिटिसाइज थोड़ा बहुत होता है। तो अगर कोई कह रहा है कि कास्टर्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए तो इसलिए मैंने प्लस वन बोल दिया, अब आधे लोगों को समझ नहीं आया तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, राइट? तो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या रीजन है, किस टॉपिक पे है। लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, भाई स्पीडो प्लस वन कर रहा है, बट किस लिए कर रहा है? क्या कि किसी ने सोचा या किसी ने वहां पे स्ट्रीम पे जाके देखा कि किस टॉपिक पे किया मैंने? मैं तो उस टाइम आया था स्ट्रीम पे। ESPL का लैन उनकी प्लानिंग चल रही है, बट अभी के लिए आई थिंक अक्टूबर के एंड में काफ़ी कुछ होने वाला है। सो देखते हैं क्या होता है। नवंबर की स्टार्ट में 1-5 तारीख को स्काई का लैन है, उसके बाद अपथर्स का लैन है 8 तारीख से 12 तारीख तक, 12 तारीख के बाद भी बहुत सारे लैन है। सो बेसिकली तुम्हें याद है जब BGMI थोड़ा सा डोरमेंट हुआ था, उससे पहले के टाइम पे सिर्फ लैन इवेंट्स हो रहे थे। आई थिंक अब वही इरा थोड़ा सा वापस आ रहा है, वो लैन इवेंट्स ही आपको बार बार होते हुए नजर आएंगे। सो दैट इज़ गुड।